हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आप लोगों का आज का पेपर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जो भी इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा आपको कोई और सेपरेट वीडियो इसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो में ही आपको इसके रिलेटेड जो भी कुछ लिखना है वो इसी में आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो नाउ देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने इसमें क्या लिख कर आना है। क्लियर? देखिए, जेंडर बायस आपने देखना है कि टेक्स्ट बुक में जेंडर बायस किस तरह से शो किया होता है, किस किस तरह से शो किया होता है, वही आपको सारा इसमें लिखना है। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्शन है, रीडिंग नहीं है। रिफ्लेक्ट करना मींस कि आपने क्या देखा उसमें, क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपके पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्व किया। ठीक है, किसी पर्सन का कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपका कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी और विद रिस्पेक्ट टू किसके देखना है हमने, जेंडर के। तो यही रिफ्लेक्शन होता है। रीडिंग होती है कि हम सिर्फ उस चीज़ को रीड कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, हम अभी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हम अब बता रहे हैं कि मैंने जो रीड किया था उसमें मुझे ये गलती लगी या फिर ये अच्छा लगा। दैट कैन बी बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। सो देखिए, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट मैटर, कि जो भी इसमें सब्जेक्ट मैटर होता है ना, वो फेमिनिन यानी कि फीमेल्स के रिलेटेड क्या सोचा जाता है, कि लड़कियां क्या लेंगी, होम साइंस ले सकती हैं, कुकरी का सब्जेक्ट ले लेंगी। ठीक है, टाइपिंग, नर्सिंग और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स मेंटालिटी बन चुकी है लोगों की कि ये सब्जेक्ट जो हैं फीमेल्स के लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं। और बॉयज़ के लिए या फिर मैस्कुलिन के लिए क्या ट्रेड्स हम सोच सकते हैं, दैट फिज़िक्स, केमिस्ट्री है ना, वुडवर्क का काम हो गया, मैथमेटिक्स, मार्केटिंग, ये सभी काम बॉयज़ को ही सूट करते हैं। अक्सर ये मेंटालिटी बन चुकी है। तो यही क्या है, हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन, दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर में हमें जेंडर बायस नज़र आया। क्लियर? देन इज़ थीमेटिक कंटेंट, यानी कि कोई भी थीम होती है टेक्स्ट बुक में शो होते हैं, वहाँ पे विमेन की पिक्चर्स नज़र ही नहीं आती। कोई भी कंटेंट होता है, मैक्सिमम समझ लीजिए 70% अगर हम कह दें टेक्स्ट बुक का कंटेंट, उसमें पिक्चर्स होंगी मेल या फीमेल के बारे में देखा जाए तो 70% मेल्स की कवर की जाएंगी, अनलेस इट इज़ रिलेटेड टू जस्ट हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, तो उसमें तो नेचुरली फीमेल्स की करेंगी, तो वो भी क्या है, जेंडर बायस है कि आप फीमेल्स की फ़ोटो दिखा रहे हैं अगर घर का काम कर रहे हैं। क्यों भाई, अगर बॉय कोई चाय बना लेगा तो क्या हो जाएगा, है ना? तो इनविजिबल वुमेन, यानी कि उनकी इमेजेस जो हैं या फिर उनका जो जिक्र है वो होता ही नहीं है कुछ टॉपिक्स में। देन इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो मैंने बात की, पिक्चर्स होती हैं या फिर कोई उनका जिक्र करना होता है, वो बहुत ज़्यादा कम है, बॉयज़ के इक्वल नहीं है या फिर इनएडिक्वेट है। देन मोर इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू मैन और बॉयज़ देन वुमेन या फिर गर्ल्स। इसके बाद हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स में फर्दर हम 3 पॉइंट्स इसमें देखेंगे। फर्स्ट इज़ रोल स्टीरियोटाइप। रोल में आप क्या जिक्र करेंगे, प्रोफेशन के बारे में। अब देखिए, प्रोफेशन जो है गर्ल्स के रिलेटेड क्या सोचा जाता है कि ये इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, या तो ये टीचर्स होंगे, नर्सेज हो सकते हैं, कुक बन सकते हैं। मेल के लिए देखिए, नंबर ऑफ प्रोफेशंस, पायलट, एस्ट्रोनॉट्स, बिजनेसमैन, मैजिशियंस, रेसलर्स, कॉबलर, ड्राइवर, सेल्समैन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा में और भी बहुत सारे कुछ आ जाता है। क्लियर? तो ऐसे नहीं है कि हम आज के टाइम में बोलें कि मैम पायलट फीमेल्स भी तो हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स इन टेक्स्ट बुक्स। क्लियर? जो टेक्स्ट बुक में जनरल दिखाया जाता है, तो बच्चों की नेचुरली मैंटेलिटी भी वही बनती है। तो जेंडर बायस, जेंडर ट्रेड्स, जेंडर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी पढ़ा था ना, वहाँ पर भी ये सेम ही टॉपिक है। तो ये सेम आप उसका मटेरियल यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? ये तो हो गया रोल स्टीरियोटाइप। इसके बाद आता है कैरेक्टर स्टीरियोटाइप। कैरेक्टर स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि फीमेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सोची जाती हैं कि दे आर सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है, बात बात पे रो देती हैं, या फिर वो केयरिंग नेचर, केयर करना फीमेल्स का काम है ना, रैशनल कैरेक्टर होना ये फीमेल्स का है। देन मेल का क्या है कि करेजियस होना, ब्रेवरी, ये सारी चीज़ मेल के साथ रिलेट करते हैं हम।
तो क्यों भाई, फीमेल्स भी तो करेजियस होती हैं, ब्रेव होती हैं, इतनी सारे प्रोफेशन में जाती हैं, तो एटलीस्ट अब तो टेक्स्ट बुक्स में ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो कैरेक्टर स्टीरियोटाइप जो है ये भी हमने नोट किया, क्लियर। तो ये स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं हम। देन इज पोलराइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। पोलराइजेशन मीन्स कि क्या सोचा जाता है उन लोगों के बारे में, कि वो क्या, उनका ओवरव्यू क्या, नज़रिया है। तो फीमेल्स को सोचा जाता है कि ये घर का काम करेंगे, घर पे रहेंगे, है ना, बच्चों का ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, कोई आता जाता है गेस्ट उनको चाय पानी पिलाना। और मेल्स का काम क्या है, सुबह अपना ब्रीफ केस उठाया और चल दिए काम पर, है ना, टिफ़िन का डिब्बा उठाया और चल दिए काम पर। बट द सिचुएशंस हैव चेंज्ड नाउ। तो टेक्स्ट बुक में जो भी पिक्चर्स दिखाई होती है ना इसके रिलेटेड, अगर कोई वर्किंग दिखाया होता है तो वो क्या दिखाएंगे, मेल। अगर कुकिंग करते दिखाएंगे तो वो क्या होता है, सफाई, झाड़ू पोछा, है ना, ऐसा कुछ करते दिखाएंगे तो वो किसकी पिक्चर होगी, फीमेल्स की। या फिर ड्रेसेस में भी हम कह सकते हैं कि जब भी ग्रैंड मदर की पिक्चर दिखाई जाएगी या फिर किसी भी फीमेल की पिक्चर ज़्यादातर दिखाई जाएगी तो वो क्या होगी, या साड़ी में होगी, सूट में होगी। तो वेस्टर्न कल्चर जैसे अब तो जीन्स टॉप ट्राउज़र सब कुछ फीमेल्स पहनती हैं, तो वो पिक्चर्स जो हैं टेक्स्ट बुक्स में भी डिपिक्ट करनी चाहिए ताकि जो मेंटालिटी है जेंडर बायस के लिए वो ख़त्म हो सके। क्लियर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, बिल्कुल शॉर्ट में, और कंप्लीट डिस्कस भी कर लिया हम लोगों ने। आई नो आप लोगों के पास टाइम कम है, एग्ज़ाम आ चुका है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसके जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप वॉचिंग।